छमोहन चौक स्थित उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी में जमायत इस्लामी हिंद की डाल्टनगंज इकाई के अध्यक्ष अली इमाम ने प्रेस वार्ता कर बतलाया कि जमायत इस्लामी हिंद राष्ट्रीय स्तर पर 15 दिवसीय मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके तहत पलामू जिला की इकाई द्वारा हैंडवेल, पोस्टर, सेमिनार, बैठक सहित कई तरीकों से गांव-गांव में जाकर लोगों को मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मोहम्मद अली ने आगे कहा कि बाहरी ताकतें मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ छेड़छाड़ करना चाह रही है, जिसे जमायत इस्लामी हिंद कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जमायत इस्लामी हिंद अखिल राष्ट्रीय स्तर पे एक मुहिम चला रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जागरूकता अभियान, जो 23 अप्रैल से शुरू होकर 7 मई तक है। तो ये यहाँ अंतिम दिन आज अभियान का है, इसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है कि ये जो जागरूकता अभियान है, आप सब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन तमाम मानव तक, इंसानों तक पहुँच जाए जिन तक अभी तक नहीं पहुँचाया है। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि सबसे पहला बड़ा उद्देश्य है कि मुस्लिम समाज में जो अनभिज्ञता है, जो नहीं जानते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, उसको हम उसकी जानकारी दे रहे हैं। दूसरी ये बात, कुछ गलतफहमियाँ पाई जाती हैं मुस्लिम समाज में भी, तो उन गलतफहमियों को भी दूर करना है। तीसरा उद्देश्य ये है कि हमारे बरादरान वतन यानी मुस्लिम समुदाय के अतिरिक्त जो दूसरी समुदाय यहाँ हिंदुस्तान में बसती है, उन तक भी हम लिटरेचर के माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से और फोल्डर के ज़रिए हम ये पैगाम पहुँचा रहे हैं, ये संदेश पहुँचा रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की अहमियत, उसका महत्व समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए कितना है। और ये चूँकि प्रकृति द्वारा बनाया गया कानून है, सभी मानव को ईश्वर ने बनाया है, इसलिए ईश्वरीय कानून ज़्यादा बेहतर होते हैं इंसान के लिए। वह मानव के मनोवृत्ति को जानता है कि मानव कैसे जीवन व्यतीत करेगा, तो शरीयत या इस्लाम एक जीवन व्यतीत करने का संपूर्ण जीवन व्यवस्था है। तो इस उद्देश्य से आज ये बैठक आप या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि हम जन जन तक इस संदेश को पहुंचा सके जो समाज में गलतफहमियां पाई जा रही हैं। और तीसरी बात ये भी है कि कुछ बाहरी दखलंदाजी हो रहे हैं। एक तो समाज में कमज़ोरी, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा ये कि हुकूमत के द्वारा या अदालत यानी न्यायालय के द्वारा कुछ हस्तक्षेप किए जा रहे हैं शरीयत में, जो मुस्लिम समाज को कबूल नहीं है। तो सीधा सीधा आप कहिए ना कि मतलब जो है इसके साथ जो सरकार छेड़छाड़ कर रही है उस पर आपका मतलब जो है आप विरोध व्यक्त करते हैं उससे? हम न्यायालय के निर्णय, न्यायालय के निर्णय का नहीं, न्यायालय इसमें जो मुदाखलत हस्तक्षेप कर रही है शरीयत में, शरीयत में जो कर रही है, क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ ये फंडामेंटल राइट है। हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को, किसी मजहब का मानने वाला हो, अपने अपने मजहब पर रहने, उसके प्रचार प्रसार करने का उसको पूरा अधिकार है। तो इसमें अगर कोई ये करता है तो उसके बुनियादी हक, फंडामेंटल राइट में खलल पड़ता है। तो इसलिए सभी मानव को अपनी जीवन पद्धति के अनुसार जीवन व्यतीत करने का संपूर्ण अधिकार है। इसमें तीन तलाक का भी मामला आया, तीन तलाक का मसला है, उसका भी आप विरोध? मसला उसका विरोध हम ये नहीं कर रहे हैं। कुरान ने और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है तलाक का, उस तलाक को हम राइज करना चाहते हैं। मुस्लिम समाज नहीं जानता इस तलाक को, इस वजह से ये गलतफहमियाँ पाई जा रही हैं। इसको जागरूकता अभियान चलाकर आप लोगों तक पहुँचाना? जी पहुँचाना चाहते हैं। मतलब ये जागरूकता अभियान में कहाँ तक, मतलब कहाँ तक आप पहुँचेंगे, कहाँ कहाँ? हम जागरूकता अभियान एक माध्यम हमारा है, फोल्डर, लिटरेचर, बुकलेट, नुक्कड़ सभा, सिंपोजियम, सेमिनार और फिर जो मस्जिद है वहाँ से जो तकरीर होती है उसके द्वारा भी हम मुस्लिम समाज तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं और उनकी इस्लाह करना चाहते हैं, जो उनके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है उस कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं इस अभियान के द्वारा। ये अभियान का आज अंतिम दिन ज़रूर है, लेकिन ये काम का अंतिम नहीं है, यहाँ से हमारा काम फिर स्टार्ट ही रहेगा। तो हम ये करते हैं कि गांव-गांव में जा रहे हैं, प्रखंड स्तर पर जा रहे हैं और छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, उसमें व्यक्तिगत मुलाकात भी है, सामूहिक मुलाकात भी है, और उसे ये करके हम
और महिलाओं को खास करके इस चीज़ के लिए जागरूकता पैदा की जा रही है।